A very good morning, 11th class. In our previous class, we already discussed the kingdom fungi, characteristics and features of kingdom fungi. देखिए हम अपने मतलब जो आर एच विटेकर ने पांच किंगडम दिए थे उनमें से चार किंगडम के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब प्लांटी, एनिमिलिया और आपका प्रोटेस्टा एंड और मोनेरा, इन चारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब हमें किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस करना है जिसके कैरेक्टर और फीचर्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अब इनकी कैटेगरीज पढ़नी है. इनकी कैटेगरीज जैसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेस्टोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज. ठीक है, आज हम फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के बारे में पढ़ेंगे. क्लास फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है आपका एल्गल फंजाई, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा. इसका एग्जाम्पल है एल्गल फंजाई जो राइजोपस ब्रेड मॉल्ड के अंदर लगता है. राइजोपस ब्रेड मॉल्ड, ब्रेड में जो आपके फफूंद लग जाती है उसी को कहते हैं ब्रेड मॉल्ड. राइजोपस इसके अंदर ग्रो करता है स्पोर के फॉर्म में, स्पोरेंजियो स्पोर्स बनाता है. ठीक है, ये क्या होते हैं क्लास? पैरासिटिक्स होते हैं. जहाँ से जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कुछ पॉइंट्स, ये इनके ऑर्गेनिजम्स पैरासिटिक्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी में रहकर नरिशमेंट लेते हैं, मतलब दूसरों की बॉडी में रहकर उनका नरिशमेंट, उसका फूड लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं. सेफ्रोफाइटिक जो मतलब कि जो सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, जैसे ट्विक्स टहनियाँ खाते हैं, लीव्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं जो फंजाए होते हैं, इस तरीके के फंजाए टहनियाँ और लीव्स को खाते हैं. माइसीलियम आप जानते हैं, माइसीलियम के बारे में मैंने पढ़ा चुका है क्लास. इनका माइसीलियम कैसा होता है? एसेप्टेट होता है. हम माइसीलियम के बारे में बात कर चुके थे. ये जो मतलब हाइफी होता है इनके अंदर मूवमेंट के लिए, फंजाए के लिए, उस वो अगर नेटवर्क के रूप में होता है तो उसे माइसीलियम कहते थे क्लास. नेटवर्क के रूप में होता तो माइसीलियम कहते थे. ये माइसीलियम इनमें एसेप्टेट होता है. एसेप्टेट मतलब ये ऐसे अरेंज होगा, मतलब सीरियल वाइज अरेंज होगा. एसेप्टेट मतलब ये क्रॉस वॉल टाइप अरेंज होगा. ठीक है, तो इसमें एसेप्टेट टाइप का माइसीलियम होता है. कोइनोसाइटिक हाइफी होती है. जैसे हम जानते थे माइसीलियम को अगर हम लेंगे, ये माइसीलियम का अगर हम हाइफी लेते हैं तो उसमें देखते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते थे. मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को ही हम कोइनोसाइटिक हाइफी कहते हैं. इनकी हाइफी कैसी होती है? कोइनोसाइटिक हाइफी होती है. इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एसेक्सुअली होता है, मतलब एक ही रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरी प्रजातियों को उत्पन्न करने के लिए. ठीक है, और देखिए जो नॉन मोटाइल होते हैं वो होते हैं एप्लानोस्पोर. नॉन मोटाइल मतलब उनमें मूवमेंट के लिए कोई भी स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता है क्लास. नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट के लिए कोई टेल नहीं होगी, कोई फ्लैजिला नहीं होगा, कोई माइसीलियम नहीं होगा. इनमें जो मोटाइल होते हैं उनका नाम है जूस्पोर. ठीक है, मतलब ये मूवमेंट कर सकते हैं. और जब ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअली करते हैं क्लास, तो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस. फिर से समझ लीजिए, जब मतलब आइडेंटिकल होंगे स्पोर्स, मतलब सेम टाइप के होते हैं इनमें, तो आइसोगैमस रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब आइसोगैमस तरीके से हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जब एनाइसोगैमस तरीके से होगा तो इसका मतलब आपका डिफरेंट स्पोर्स होंगे, मतलब एक मोटाइल होगा जो जिसमें आपका माइसीलियम प्रेजेंट है, जिसमें आपका माइसीलियम एब्सेंट है, वो नॉन मोटाइल होगा. मतलब एक मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल होगा. ठीक है, और ओगैमस में क्या होता है, मतलब मेल आपका क्या होगा? स्मॉल होगा, पर उसमें आपके मतलब मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, और फीमेल आपकी कैसी होगी? बिग होगी, बड़ी होगी, लेकिन वो नॉन मोटाइल होगी. ठीक है, तो ओगैमस इसमें थे. आपने पढ़ लिया क्लास फाइकोमाइसिटीज के बारे में, जिसका एग्जाम्पल था आपका एल्गी फंजाए. फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है एल्गल फंजाई, इसे कहते हैं, सॉरी एग्जाम्पल इसका राइजोपस ब्रेड मॉल्ड के अंदर लगता है. ये जो ब्रेड मॉल्ड के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये राइजोपस है. राइजोपस में क्या होता है? स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जनरेट हो रहे हैं. तो ये इसका मतलब एग्जाम्पल है इसका फाइकोमाइसिटीज का. आपने पढ़ लिया ये पैरासिटिक्स होते हैं, दूसरों की बॉडी में रहकर उसका नरिशमेंट लेते हैं. सेफ्रोफाइटिक होते हैं, डेड एंड डीके पार्ट्स को खाते हैं, जैसे ट्विक्स, लीव्स. माइसीलियम इसका एसेप्टेट होता है, मतलब ऐसे अरेंज होता है. और कोइनोसाइटिक हाइफी होती है. रिप्रोडक्शन इसका एसेक्सुअल होता है. जूस ए प्लानोस्पोर में नॉन मोटाइल होता है, जूस्पोर में मोटाइल होता है. और जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये कैसे होते हैं? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब दूसरा है आपका एस्कोमाइसिटीज. ठीक है क्लास, उसको हम अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू क्लास.